नमस्कार 25 लगातार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार हमले के बाद अब माओवादियों ने अपने लेबिट्रेड जोन को फ्री कर दिया है। फोर्स इलाके की सर्चिंग में है, उनके हाथ एक भी माओवादी नहीं लगा है। बुर्कापाल में हुई घटना के बाद माओवादियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। अब माओवादियों ने महाराष्ट्र में अपनी मौजूदगी दर्शाई है। 12 घंटे में माओवादियों ने विस्फोट कर 18 जवानों को घायल किया, वहीं एक जवान शहीद हो गया। मध्य प्रदेश के लटरी तहसील के ग्राम रायपुरा के बीच ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली कुएं में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप और हत्याकांड के 4 दोषियों पर आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों की सजाए मौत के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के चारों अपराधियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील ठुकराते हुए फांसी की सजा बरकरार रखा। बिहार के शेखपुरा सदर क्षेत्र के बाईपास स्थित लाइन होटल के पास एक विक्षिप्त महिला की मौत ट्रक के चपेट में आने से हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए लावारिस वृद्ध महिला का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन के तहत सर्चिंग पर निकले जवानों ने जंगलों से 4 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 4 जनमिलिशिया सदस्य को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 3 माओवादियों को अरनपुर थाना क्षेत्र व 1 भासी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सली का नाम हुंगा बताया जा रहा है। हुंगा जनमिलिशिया सदस्य के पद पर रहकर 5 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। हुंगा के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में इंदौर कमिश्नर संजय दुबे बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे। कलेक्टर के साथ जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर दीपक सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की इंदौर कमिश्नर को जानकारी दी। राजस्थान में भिलवाड़ा के बिजोलिया में धाकर समाज द्वारा शनिवार को आयोजित होने वाले 20वें सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आज सम्मेलन समिति व समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। सैकड़ों समाजजनों की उपस्थिति के बीच पूर्व जिला प्रमुख कन्हैया लाल धाकर व विधानसभा प्रत्याशी विवेक धाकर ने ध्वजारोहण किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के कोलनार व आदावाड़ा में गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ के जांगला व बांगापाल में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान इंद्रावती नदी के ऊपर कोलनार व आदावाड़ा में करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने 2 माओवादियों के शव को बरामद किया। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में देर शाम 2 मासूम बच्चों को शादी में ले जाने के बहाने एक कार युवक ने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद उसने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। यह सब वहां मौजूद भीड़ ने देख लिया, जिसकी तत्काल सूचना इलाके पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर कार सवार युवक को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में कहरौड़ा गांव में 1 मई की आधी रात को घर के बाहर सोई बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी, उसके इकलौते पुत्र व एक अन्य ग्रामीण को गिरफ्तार किया। बिहार में शेखपुरा जिले के चवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलखुड़ी गांव में एक परिवार को सार्वजनिक चापाकल से पानी लेना महंगा पड़ा। दबंगों ने पहले मारपीट किया, उसके बाद चापाकल से पानी लेने पर मनाही भी कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसपी आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब में शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने शहीद परमजीत सिंह की पत्नी, पिता, मां और बच्चों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस मौके पर उनके साथ विक्रम मजीठिया, विकसर सिंह वलटोहा समेत अनेकों अकाली लीडर हाजिर थे। उन्होंने कहा कि सूबेदार सतनाम सिंह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उस पर हमें फख्र है। आजमगढ़ ने पिछले कई दिनों से अपना निःशुल्क अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चक्कर काट रही महिलाओं के सब्र का बांध आज टूट गया, जब एक बार फिर 2 बजते ही कुछ महिलाओं का अल्ट्रासाउंड का कक्ष को बंद कर डॉक्टर और कर्मी चले गए। बेसब्र महिलाओं ने मौके पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप था कि प्रति महिलाओं से 300 रुपये अल्ट्रासाउंड का मांगा जा रहा था, जो दे रही उनका टेस्ट लिया जा रहा था, जो ना दे सके उनको टाल दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बवाली मोड़ पर भीड़भाड़ के बीच बुलेरो गाड़ी को निकालने के लिए हुए बवाल में गाड़ी सवार दबंगों ने फायरिंग कर बाइक सवार युवक प्रकाश सोनकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर बुलेरो सवार फरार हो गए थे। चौथी बनी घटना का अनावरण आज पुलिस ने किया। एसपी ने बताया कि शादी में बुलेरो का पता कर अभियुक्त की तलाश कर गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर खकनार तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम पचौरी से सिकलीकर समाज कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर दीपक सिंह से मिलने पहुंचे।
20 से अधिक सिख लीगर समाजजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुरहानपुर सहित खंडवा, खरगोन, इंदौर जैसे बड़े शहरों में सिख लीगर समाज के युवाओं पर हथियार बनाने के जबरन झूठे केस बनाए जा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। छिंदवाड़ा देहात थाना अंतर्गत परासिया रोड आलू कोल्ड स्टोरेज के समीप शुक्रवार की दोपहर 3 बजे लाठी और हथियार से लैस आधा दर्जन से अधिक युवकों द्वारा शिवसेना जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल पर जानलेवा हमला किया गया। मौके से गुजर रहे सीएसपी शिवेश बघेल ने जान बचाई। हमले की वजह आपसी और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जगदलपुर बुर्कापाल हमले के बाद नक्सलियों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बस्तर को लेकर सरकार के द्वारा बनाई जा रही हमले की रणनीति का विरोध किया गया। जारी विज्ञप्ति में नक्सलियों ने यह माना है कि मिशन 2016 के तहत अफसरों ने अकेले बस्तर में ही उनके 135 लड़ाकों को मारा है। इस विज्ञप्ति में देशभर में इसी साल के दौरान 218 माओवादी कार्यकर्ताओं और आम जनता के मारे जाने की बात स्वीकारी है। आगरा के खैरागढ़ तहसील के एक लेखपाल का हुआ वीडियो वायरल, जिसमें लेखपाल ने पीड़ित किसान से ली हजारों की रिश्वत। नगला मोला के पीड़ित किसान जीवन सिंह ने खैरागढ़ के लेखपाल ओमवीर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के कोतवा पुलिस चौकी के आमाटोली गांव में बीती रात मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने किराना व्यवसायी के ऊपर जानलेवा हमला कर नकदी रकम ले गए। पेट्रोल लेने के बहाने दुकान पर पहुंचे हथियारबंद लोगों ने एक महिला पर भी वार किया। हालांकि इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई पर कट्टानुमा हथियार से फायर कर भाग निकले। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन आज सुबह आगरा पहुंची। अहमदाबाद आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से आई यशोदाबेन फिरोजाबाद जनपद में आयोजित राठौर समाज के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा पहुंची। राजनगरी आगरा में भ्रष्टाचार के आरोपी बाबू के पक्ष में दबाव बनाने के लिए बीजेपी नेताओं के डीआईओएस जितेंद्र यादव के साथ हद दर्जे की बदतमीजी कर दी। नेताओं ने आरोपी बाबू को अपना पटल दिखाने के लिए डीआईओएस जितेंद्र यादव को कमरे में घेर कर जमकर हड़काया। इस दौरान डीआईओएस के कमरे में दर्जन भर से ज्यादा बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये नेतागढ़ कैमरे चलते देख कर डीआईओएस पर रिश्वत लेने के आरोप लगाने लगे। पंजाब में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ऑल इंडिया रेस क्रॉस सोसाइटी के उप चेयरमैन अविनाश रॉय खन्ना तरनतारन के गांव वहीपुई में शहीद परमजीत सिंह के परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने शहीद के पिता उधम सिंह व भाई रंजीत सिंह से शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस दुखी घड़ी में सारा देश परमजीत सिंह के परिवार के साथ है। भारत के शूरवीर सैनिकों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। एटा जिले के जलेसा थाना क्षेत्र में सराय नीम के पास रजवाहा में एक कैंटर ट्रक के गिर जाने से उसमें बैठे तिलक समारोह में भाग लेने आगरा वापस जा रहे लोगों में से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हैं। ये लोग बीती रात आगरा जिले के डौकी थाना क्षेत्र के नगरिया अहिर से एटा जिले के जलसे से नगला लाल सिंह में अब तिलक चढ़ाने आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत बस्तर से लगे हुए राज्यों में भी अब नक्सली अपना उत्पात मचा रहे हैं। ताजा मामला उड़ीसा राज्य के कोरापुट का है, जहां सड़क निर्माण कार्यों में लगे 4 वाहनों को नक्सली ने आग के हवाले कर दिया और लगभग 2 घंटों तक वाहन चालक व कंडक्टर को बंधक भी बनाकर रखा था और दोबारा सरकारी विकास कार्यों में शामिल न होने की चेतावनी देकर छोड़ा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहें INI न्यूज के साथ। नमस्कार।